तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की डेली इंफ्रा न्यूज़। दोस्तों पहले अपडेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही है, जहां पर यूनियन कैबिनेट ने 10,683 करोड़ रुपीस का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इन शॉर्ट PLI स्कीम को टेक्सटाइल के लिए अप्रूव कर दिए है, जिसे आने वाले 5 ईयर्स के लिए टेक्सटाइल कंपनीज अवेल कर सकेंगे। करेंटली इंडिया का टेक्सटाइल मार्केट एक्सपोर्ट पूरे दुनिया में तीसरे नंबर पे है। जो PLI स्कीम के अनाउंसमेंट से और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स के अनुसार Tier 3 एंड Tier 4 सिटीज को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। दोस्तों अगली अपडेट तमिलनाडु से है, जहां पर तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड 4000 मेगावाट का सोलर पावर पार्क को सेटअप करेगी, जिससे ग्रोइंग एनर्जी डिमांड को मीट किया जा सकेगा। कंपनी के अनुसार कंपनी का बैटरी स्टोरेज सिस्टम के साथ ही सोलर पावर पार्क को तमिलनाडु के हर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा। दोस्तों अगली अपडेट उड़ीसा से आ रही, जहां पर स्टेट हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर प्रताप जेना जी के अनुसार भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट वर्क को बहुत जल्द शुरू कर लिया जाएगा। इंडियन रेलवे भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने के साथ ही 2 एडिशनल प्लेटफॉर्म को भी डेवलप करेगा, जिससे फ्यूचर पॉपुलेशन को भी हैंडल इजिली कर सके। स्टेट गवर्नमेंट इंटायर भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन को मल्टी मॉडल हब की तरह डेवलप करने वाला है। दोस्तों अगली अपडेट बिहार से आ रही, जहां पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने भागलपुर में हाल में घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग 131B पर गंगा नदी से होकर निकलने वाली 4 लेन पुल के निर्माण के संबंध में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान पुल के डिजाइन पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने मंत्री सर्वानंद सोनोवाल की उपस्थिति में अधिकारियों के साथ भागलपुर बिहार में नव घोषित NH 131B पर गंगा नदी से गुजरने वाले नए 4 लेन पुल के निर्माण के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता की है, जिसमें कार्गो आवाजाही की भविष्य की क्षमता को रखते हुए भागलपुर बिहार में गंगा नदी पर 4 लेन पुल के डिजाइन पर चर्चा की। दोस्तों अगली अपडेट उत्तर प्रदेश से आ रही, जहां पर मेरठ से प्रयागराज तक बनाए जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे के लिए डिजाइन को फाइनल कर दिया है। एलएन मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी ने 4 चरणों में डिजाइन को तैयार किया है। यूपीडा ने सभी 4 चरणों में किए जाने वाले कार के डिजाइन को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। हाल ही में कैबिनेट में एक्सप्रेसवे के बिड डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी थी, इसके बाद ही डिजाइन फाइनल कर अपलोड किया गया है। इसमें बिजौली से एक्सप्रेसवे की शुरुआत की जाएगी। मेरठ को पहले चरण में ही शामिल किया गया है। एक्सप्रेसवे के शुरुआती और अंतिम केंद्र पर 16 लेन का टोल प्लाजा बनाया जाएगा। 594 किलोमीटर में बनाए जाने वाले एक्सप्रेसवे में हर 1 किलोमीटर को डिजाइन में दिखाया गया है। किलोमीटर के आधार पर ही गाँव को जोड़ने वाले रास्तों पर अंडरपास की सुविधा दी गई है। नदी रेलवे लाइन पर बनाए जाने वाले पुलों को भी दिखाया गया है। डिजाइन में एक्सप्रेसवे के किनारे दी जाने वाली सुविधाओं को भी दिखाया गया है। इसमें कार बस के लिए पार्किंग, पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन, सर्विस स्टेशन, फूड आउटलेट, ढाबा, पानी पीने के बूथ, शौचालय ब्लॉक को भी शामिल किया गया है। इस सुविधाओं को देने के लिए 250 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा स्थान लिया जाएगा। तो दोस्तों यही था आज का डेली इंफ्रा न्यूज़। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। लाइक करें दोस्तों वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो हर किसी तक पहुंचे। कमेंट करें दोस्तों आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखना है, या मैं अपने वीडियो में और क्या इंप्रूव कर सकता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक न्यू डेली इंफ्रा न्यूज़ के साथ। जय हिंद।